बुलंदशहर में बहुचर्चित व्यापारी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी समेत दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कई राउंड हुई फायरिंग, तमंचा कारतूस बरामद। बदमाश की गोली से बाल बाल बचे खुर्जा नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर। पुलिस की गोली लगने से व्यापारी राजकुमार अपहरण कांड का मुख्य आरोपी सोनू हुआ घायल। सोनू का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। फरार बदमाश की तलाश जारी। ₹50,000 का इनामी है घायल सोनू, अस्पताल पहुंचाया गया घायल इनामी। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में पंचवटी नाले के पास हुई मुठभेड़। थाना खुर्जा नगर में कुछ दिन पहले एक व्यापारी का अपहरण हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, वो वांछित चल रहा था, जिस पर ₹50,000 का इनाम भी घोषित था। आज इस सूचना पर कि उसका कहीं होना पाया गया है, पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर इस अपराधी द्वारा एक अपने अन्य साथी के साथ फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में ये अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है और इसे हिरासत में लिया गया। इसको उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसने घटना को करना और अन्य अपने साथियों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिस पे कि हम लोग काम कर रहे हैं और इसे पूछताछ करते हुए अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जैसा मैंने बताया, इस अपराधी पर पूर्व में ₹50,000 का इनाम घोषित था और आज इसे यहाँ गिरफ्तार किया गया है। Time24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।